वो हो गई खराब। देखो ठीक है, ये मत करो। तो वर्ल्ड आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये एक दिन मखसूस इसलिए है कि डिफरेंट जो इश्यूज़ हैं, कंसर्न हैं, डेवलपमेंट्स हैं, एडवांसमेंट्स हैं, उस पर तबादला ख्याल किया जा सके और हम प्लानिंग कर सकें कि कहाँ हम लैग करते हैं और कहाँ हमें स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। जो महिला शक्ति केंद्र है, जिसका मेन रोल है गवर्नमेंट की स्कीम्स ख्वातीन तक ले जाना, और वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन है, जहाँ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन या कोई हरासमेंट के इश्यूज़ हैं उनको वो डील करते हैं। इसके अलावा हमारा जो डिग्री कॉलेज है, यहाँ की मैनेजमेंट, इन सब ने मिल के आज का जो प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज़ किया था। इसमें डिफरेंट इश्यूज़, डिफरेंट कंसर्न्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं और बहुत सारी अच्छी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो शेयर की गई हैं। जो काम किया इंस्टीट्यूशंस ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने, उस पर बातचीत हुई है। इसके अलावा यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक बेहतरीन मुजाहरा किया है। जो एक एग्जीबिशन यहाँ पे हुआ है, उन्होंने जो आर्ट में जो महारत हासिल की है यहाँ पे, जो टीचर हैं उनकी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बाद और एक अच्छा स्किल डेवलपमेंट जो यहाँ पे हुआ है, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट में जो उन्होंने काम किया है वो डिस्प्ले हुए हैं। फूड क्राफ्ट, फूड और बाकी जो क्राफ्ट्स हैं उनमें लेके जो उन्होंने काम किया, उसका एग्जीबिशन आज कॉलेज ने यहाँ पे शुरू किया है। आज का जो दिन है 8 मार्च की इंटरनेशनल वुमेन्स डे के तौर पर मनाया जा रहा है। थ्रू आउट वर्ल्ड में बताऊं तो इंटरनेशनल है ही है, और हमारे ICDS के वसासत से जो महिला शक्ति केंद्र की एक विंग है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ये वुमेन्स जो हमारा नवाकदर कॉलेज है यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये तो ख़ास अहमियत यही है कि जो औरत का मकाम है वो किस कदर ऊँचा होना चाहिए सोसाइटी में, तो उसी के बारे में हर एक ने अपने अपने बता दिया। तो एक औरत की इज़्ज़त और उसकी आबरू और उसका एक सोसाइटी में जो दर्जा मिलता है, तो उसके अपनी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम फोकस कर ही रहे थे, बता ही रहे थे कि उसको बाप बुलंद बनने की ज़रूरत है। जो आज का जो थीम है वो चूज़ टू चैलेंज है कि आप चैलेंज का किस तरह मुकाबला कर रहे हैं सोसाइटी में, घर में, बाहर, हर जगह। तो वही एक मैसेज थी और उसी लिए आज का दिन मनाया गया। दिस इज़ रुकैया अशरफ, वुमेन वेलफेयर ऑफिसर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर फॉर वुमेन, महिला शक्ति केंद्र श्रीनगर। टुडे वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट हेयर इंटरनेशनल वुमेन्स डे, एंड एवरी ईयर दिस डे फॉल्स ऑन द 8th of March। सो आज जो यहाँ पे हम आए हैं, इसकी थीम लेके हम आए थे, लेट्स ऑल चूज़ टुगेदर। तो यहाँ पे एम यही था कि जो वुमेन्स है उनको अप्रिशिएट करना है, उनके एफर्ट्स को, उनके काम को अप्रिशिएट करना है। उन्होंने आज तक जो अचीव किया है, जहाँ पे हमने अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स भी अपने स्टाफ में डिस्ट्रीब्यूट की, यहाँ पे हमारा एक बुक लॉन्च भी आज था, जो अचीवमेंट है हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर फॉर वुमेन, महिला शक्ति केंद्र की अचीवमेंट है, वो बुक लॉन्च भी यहाँ पे आज लॉन्च हुआ। और वो अचीवमेंट जो है दैट इज़ टोटली होली एंड सो रिलेटेड विद फीमेल्स, क्योंकि हमारा जो सेंटर है डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर फॉर वुमेन, इट वर्क्स फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट, इट वर्क्स फॉर द स्किल डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, इट वर्क्स फॉर द लीगल इश्यूज ऑफ वुमेन, सो इट इज़ होली एंड सो रिलेटेड विद वुमेन। तो हमारा जो बुक लॉन्च था उसका भी, उसमें जो अचीवमेंट्स हमारी है, उसमें जो केसेस हमने नोट डाउन किए हैं, वो भी रिलेटेड टू वुमेन ही है कि हमने कितने वुमेन्स को आज तक उनके केसेस सॉर्ट आउट किए हैं, उनके कितने केसेस रेफ़र हुए हैं टू वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, टू सोशल वेलफेयर, टू ICDS, दैट आर टोटली ऑफ फीमेल्स। और उसके बाद जो ट्रेनिंग, जो फीमेल्स को ट्रेनिंग दी जाती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, लाइक हैंडीक्राफ्ट्स में, लाइक क्राफ्ट स्कूल्स होते हैं, सोशल वेलफेयर में उनको EDI से ट्रेनिंग मिलती है, स्किल मिशन डेवलपमेंट से, वो भी होली एंड सो रिलेटेड विद फीमेल्स होता है। तो उसके भी हमारे पास सक्सेस स्टोरीज थी, वो अचीवमेंट में हमने, अचीवमेंट बुक में हमने आज यहाँ पे लॉन्च किया है। प्लस जो हमारे केसेस, लीगल केसेस आते हैं,
जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस हरासमेंट के केसेस जो होते हैं जो हमने सॉर्ट आउट आज तक टिल डेट किए हैं, वी आर वर्किंग फ्रॉम लास्ट टू ईयर्स, तो जो भी हमने केसेस आज तक उनमें सॉर्ट आउट की है डोमेस्टिक वायलेंस हरासमेंट की, वो भी हमने उसमें नोट डाउन किए हैं थ्रू आर अचीवमेंट बुक. सो माई मैसेज इज़ कि वुमेन शुड नॉट बी सप्रेसर. अगर इंसान ये सोचेगा कि हमें एक लड़के को पढ़ाना है तो बस उसी से घर चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है. फीमेल्स आर मेंट टू बी द लीडर्स. अगर एक फीमेल है एक घर में है तो अगर हम उसको पढ़ाते हैं तो वो पूरे घर की पढ़ाई है. अगर हम एक लड़के को पढ़ाते हैं वो सिर्फ उस लड़के की पढ़ाई है, लेकिन अ फीमेल कैन डू बेटर देन बॉयज़.